हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में हरित का व्लॉग। सो आई एम रितिका। तो जैसा कि हम डेली व्लॉग्स डाल रहे हैं, और जल्दी जल्दी कल का भी व्लॉग जाके देखो जिसमें कि मैंने अपना हेयर कट करा लिया है। तो अभी मैं छत पे हूँ, और गाइस आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब बारिश का पूरा मौसम। मैं आप सबको भी दिखाती हूँ, ये देखो गाइस कितनी ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, एकदम ठंडी वाला मौसम है और हवा भी बहुत चल रहा है। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है दीदी का एग्ज़ाम्स और मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। चलो गाइस एक बार देखते हैं कि दीदी क्या कर रही है। अभी तो वैसे पढ़ाई कर रही होगी। हेलो हेलो दीदी, हाय। पढ़ाई कर रही है दीदी। आज तो तेरा एग्ज़ाम है ना? हाँ यार, आज मेरा पेपर है। कितने बजे जाने वाली है एग्ज़ाम पे? एग्ज़ाम सेंटर पे, सॉरी मैं एग्ज़ाम कह रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम 1:30 से स्टार्ट हो जाएगा और मैं 4:30 पे छूटूंगी, 3 घंटे बाद। ओ माय गॉड, उतने देर तक घंटे का पेपर है, लेकिन अभी तक अभी रुक जा, 9:27 हो रहा है। ठीक है, 9:27 मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से 11 बजे उठ जाऊंगी, फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। मेरे को अकेले रहना होगा, मतलब 4:30 बजे सही तो है भाई, तो चाहती कि भागे यहाँ से पीछे छुट्टे जाए। चलो तब तक मैं कुछ करूंगी जरूर, अपनी क्रिएटिविटी करूंगी। हाँ मैं 4:30 बजे छूटूंगी, 5:30 हो जाएगा मुझे घर आने। कितने सुबह उठ गई थी पढ़ने के लिए? यार मैं बताऊँ। अच्छा मैं तुझसे ऐसे बात करूँ जैसे लग रहा है मैं इंटरव्यू ले रही हूँ ना? अब भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोई आज रात में 2 बजे, पता है मेरा तैयार हो गया था, फिर भी मुझे लग रहा था। मैं भी अपने एग्जाम्स में 2 बजे या 2:30 बजे सोती थी, हमारी आदत ही ऐसी है। सुनो मतलब मेरा तैयार हो गया था, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला था, लग रहा था कि सब आधा होगा तैयार। वो होता ही है। 2 बजे तक जग के पढ़ी, उसके बाद मैं अलार्म लगाई थी, फिर मैं मतलब अलार्म में 6 बजे का लगाई थी, लेकिन मुझे इतनी टेंशन है कि अलार्म से पहले मैं खुद ही उठ गई 5 घंटे पहले। चलो अच्छा, अभी रेडी होने जा रही है ना? नहीं अभी पढ़ रही हूँ मैं, अभी बहुत कुछ मेरा फिर भी छूटा है। तो चलो जब दीदी रेडी होगी, पेपर कैंसिल होने से मेरा बहुत दिमाग खराब हो, जो कैंसिल हुआ उसे पढ़ रहे थे मैं। तो जब दीदी रेडी होगी तब मैं आप सबको दिखाऊंगी, और अभी मैं शावर लेके आ जाती हूँ उससे पहले। हाँ, ऐसे यूनिफॉर्म में मिलूंगी सीधे। या A few moments later. तो गाइस मैं नहा धो के आ गई, शावर लेके आ गई, और अभी टाइम हो गया है दीदी के एग्जाम देने का। तो ये देखो ये पूजा कर रही है, बेचारी इतनी डरी हुई है कि पूजा कर रही है। भगवान से थोड़ा मना बना रही है। तो गाइस ये देखो दीदी आप पूरी रेडी हो गई है, वेल ड्रेस में है ना दीदी? डर लग रहा है एग्जाम देने के लिए? सब कुछ तैयार हो गया? तैयार हो गया सब कुछ पक्का? ऐसा ना सुनू कि तू आए तो कहे मैं एग्जाम में बैठी थी, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। नहीं है, इसकी नौबत नहीं है। अच्छा एडमिट कार्ड रख ले और आइडेंटिटी कार्ड पहन ले, ठीक है? ओ वाह, मैंने याद दिलाती, मेरी जैसे बहन भाई होना बहुत मुश्किल है यार, मैं याद नहीं दिलाती तो तू सोच तुझे एग्जाम सेंटर के अंदर भी नहीं घुसने दिया था। सही, यार अफसोस, पर मैं तेरी एग्जाम सेंटर को दिखा नहीं पाऊंगी, मैं तेरे साथ जा ही नहीं पाऊंगी। अरे मुझे खुद अकेले जाना पड़ेगा। कोई नहीं, जल्दी कर जल्दी, भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, क्या कर रही है? पैसा नहीं खा रही है? अच्छा तूने कुछ खाया है? क्यों? क्योंकि मेरा रात का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आज मैं 2 बजे तक जग के पड़ी हूं। देख रही हूँ मम्मी कुछ खाई नहीं है, तुम रोटी बनाओ इसके लिए और ये खा के जाएगी। नहीं मम्मी मन नहीं है। चल चल निकल निकल जल्दी निकल। आके आके क्या है? ऐसा देखो इस तरह की कोई इतना डर लग रहा है कि दीदी लास्ट मिनट पे तो छोड़ दे, बुक छोड़ दे, अब जाना है तुझे। जल्दी से जा बुक रख दे। अच्छा ओ अच्छा, पेपर देने जा रही है तो कुछ मीठा होना चाहिए ना मम्मी? चलो जल्दी से खिला दो। ओ माय गॉड, ये मम्मी लोग के पता नहीं कौन कौन से रिचुअल्स, ये कहीं जाते ही नहीं है। दीदी जल्दी जाओ, देखो मैं बता रही हूँ लेट हो जाएगा तुझे। 5 बार होना चाहिए। 5 बार, जल्दी जल्दी जल्दी। दीदी बाय बाय बाय, गेट खोलो गेट खोलो। मम्मी का पैर छू थी? अच्छा ओ मम्मी का मेरा पैर छू कैसे जा सकती तुझे लगता है? नो बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाय दीदी, बाय 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 बाय, अच्छे से जाना ठीक है, अच्छे से पेपर देना। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। ऐसे देखो दीदी गई नहीं कि मम्मी एक लोग को और बुला ली, और वो देखो वो दादा बेडशीट लेके आ रहे हैं। मम्मी
कौन लड़का चाहिए, सिंगल डबल? सिंगल, सिंगल या डबल? सिंगल, सिंगल तकिया समेत चाहिए आपको? हाँ तो आप सबको पता है हम दीदी को सी ऑफ कर दिए, ऊपर से चादर वाले दादा आ गए, चादर लेके सिंगल बेडशीट और डबल बेडशीट भी वो दे रहे थे, बट उन्होंने क्या बोला कि उसमें उसके साथ जो तकिए का पिलो का वो जो खोल बोल वगैरह होता है वो नहीं है, तो मम्मी ने कह दिया कि नहीं आज नहीं लेंगे, तो वो परसों लेके आएंगे। मेनी आवर्स लेटर। तो गाइज ये देखो, ये अभी 5:30 बज रहे हैं और दीदी आ गई है, तो देखते हैं उसकी हालत क्या है। रुक जा। ओ वाओ, होली खेल के आई है क्या दीदी? ऐसे भी कौन होली खेलता है कि बस तेरे बाल पे ही रंग लगा? तूने किसी को नहीं लगाया क्या? नहीं, नहीं। अच्छा ये सब छोड़, पेपर कैसा गया? मैं बोलने जा रही थी पैसा कैसा गया। सही गया। अच्छा चल चल अंदर चल पहले। मुझे पेपर दे, मेरे को एक बार पढ़ना है कि क्या क्या है, तो अच्छा गया भी है नहीं गया है। मतलब पीछा नहीं छोड़ेंगे मैडम, एक बार दिखा। और कितना छोटा सा पेपर आया है। अच्छा गया मेरा। अच्छा अच्छा गया, चल ठीक है। मतलब कंफ्यूजन नहीं हुआ ना कि कौन सा पेपर है कौन सा पेपर नहीं है? मतलब मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी कि अरे यार पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा, लेकिन जब बैठी पेपर मिला तो मतलब अंदर से अलग ही खुशी। चल अच्छी बात है दीदी यार, तू तो फिर भी थोड़ा बहुत जो भी होली खेल रही, मैं तो लास्ट डे वो भी नहीं खेल पाई। कोई बात नहीं, अपनी होली ऐसा करेंगे ना, अपनी होली हम तुम खेलेंगे ना अच्छे से। तुझे जो जो रोड पे देख रहा होगा हंस रहा होगा देख के। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं पता, बहुत सारे लोग आज खेले बहुत सारे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भी लग गया होता तो मैं दौड़ ली बच गई। अच्छा तो तुझे दौड़ना आता है? हाँ, ओ वाओ, बाद में पढ़ेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो चलो गाइस, कल का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा है। ये दीदी ये होली वाले दिन करना है, ठीक है? मैं तो कल ही करूंगी। नहीं नहीं होली वाले, हाँ कल तो हमारी, सॉरी अभी नहीं बताई। तो गाइस कल का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना नहीं भूलना। बाय बाय।